इस बार छठ को मनाया जा रहा है कुछ जीरो वेस्ट त्यौहार की तरह, और गाजियाबाद नगर निगम हिंडन रिवर। दोस्तों इस तरह की टंकी लगा दी गई है, पानी की व्यवस्था पूरी कर दी गई है ताकि कोई तो हे दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों कल छठ है 19 तारीख को, और अभी मैं 18 तारीख को शाम को हिंडन गाजियाबाद में हिंडन रिवर के जो पास में खड़ा हूँ, और यहाँ पे जो छठ का पर्व है आप पीछे से देख सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने वीडियो को दिखाया कि जो प्रशासन ने, गाजियाबाद प्रशासन ने किस तरह से यहाँ पे जद्दोजहद करके पूरे, जैसे सुबह ही आके सूर्य भगवान की जो पूजा होती है, छठ का पर्व स्टार्ट होगा तो उनकी सबकी तैयारियां यहां पे कर रखी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बढ़िया से इंतजाम किया गया। ये हिंडन रिवर है, अगर मैं बात करूं तो इधर गाजियाबाद की तरफ से आते हैं तो पूरे की पूरी तैयारी मैं आपको यहां से पूरे दिखाता हूं। पूरी हिंडन पे कवर किया गया है, तो आगे 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 चल के मैं आपको तैयारियाँ दिखाता हूँ जो छठ का पर्व मनाया जा रहा है। कितनी अच्छी तैयारियाँ, देखिए इस तरह से लोगों ने यहाँ पे इंतजाम करे हैं। जो सरकार में इसमें अभी भी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, सरकार इसमें बहुत ही जद्दोजहद से लुटी पड़े ताकि अच्छे से पर्व मनाया जाए। दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे गाजियाबाद नगर निगम ने सभी तरह के, देखिए स्वच्छ घाट यहाँ पे इस तरह से पूजन की विधि है, ये सब यहाँ पे इस तरह से निर्देश भी दिए गए हैं, पूरे इंतजाम किए गए। और देखिए पीने का पानी ऊपर लगाया गया है, तो पुलिस प्रशासन भी है यहाँ पे, तो देखिए मेन जो है यहाँ पे पुलिस का जो मेन रहेगी यहाँ पे रहेगी, वो यहाँ पे इंतजाम किए। तो चलिए आगे तक मैं चल के दिखाता हूँ, देखिए कितना अच्छा सुंदर सजाया गया है, बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं। ये देखिए स्वच्छ घाट हिंडन घाट महासफाई अभियान, तो स्वच्छता का भी ध्यान रखा गया है और पर्व को भी मनाया जा रहा है। दोस्तों तैयारियां कुछ इस तरह से की हैं गाजियाबाद प्रशासन ने कि यहाँ पे जो कपड़े बदलने के लिए जगह भी बनाई जा रही है, हर तरह की सुविधा यहाँ पे दी जा रही है। देखिए किस तरह से तैयारियां यहाँ पे की गई हैं, और जो हवन सामग्री है उसके लिए अलग से बनाए गए, तो हर चीज़ की सुविधा यहाँ दी है, और स्वच्छता का बहुत ध्यान दिया गया है, प्लास्टिक को यूज़ करने के लिए मना किया गया है। तो देखिए यहाँ से लेकर घाट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है,
ये हिंडन रिवर, तो बहुत ही अच्छा इंतजाम किया गया है यहाँ पे। देखिए अब ऊपर चल के मैं दिखाता हूँ, जो पुलिस प्रशासन जहाँ पे रहेगा वो भी दिखा देता हूँ। दोस्तों इस तरह की टंकी लगा दी गई है, पानी की व्यवस्था पूरी कर दी गई है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, और पूरी यहाँ पे बैरिकेडिंग टाइप लगा दी ताकि अंदर कोई ना जाए। इसके अंदर ही यहीं पे स्नान हुआ होगा सुबह, तो ये देखिए जल दिया जाएगा। इसी तरह से टंकियाँ भी लगा दी गई हैं। तो प्रशासन के काम में देखिए यहाँ पे चिकित्सा केंद्र भी बनाया गया है, यहाँ पे पुलिस वाले भी रहेंगे, डॉक्टर्स भी अवेलेबल रहेंगे, तो हर चीज़ की सुविधा की गई है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। जी देखिए पूरे कॉलम वॉलम सेट किया गया है, गाने बजाने का पूरा प्रोग्राम होगा, इस तरह के चेंजिंग रूम्स भी है, जगह भी है, तो काफ़ी अच्छी। देखिए हर तरह की इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे, जनरेटर भी लगा दिया गया है, पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे रहेगा, प्लस पीने का पानी कोई कमी यहाँ पे नहीं छोड़ी जाएगी। ये एलिवेटेड रोड है जो गाजीपुर जाता है, और ये इंद्रपुरम जा रहा है ये रोड, और ये यहाँ गाजियाबाद से मेरठ की तरफ से आ सकते हैं, और हिंडन रिवर पे है ये देखिए। तो कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे छठ का पर्व मनाया जा रहा है हर तरह से, और पुष्प वर्षा देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा होगी, यानी 19 नवंबर 2023 दिन रविवार शाम 3 बजे, ये देखिए हेलीकॉप्टर से जो यहाँ पे पुष्प वर्षा की जाएगी, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पर्व मना रहे होंगे लोग। ये देखिए पानी की पूरी व्यवस्था है, तो काफ़ी अच्छा इंतजाम है। ये देखिए शौचालय के लिए अगर मैं बात करूँ तो शौचालय अलग से यहाँ पे लगाए गए हैं, इधर देखिए वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था की गई है, यहाँ पे पेयजल लिखा हुआ है, यहाँ पानी का जल है तो पानी पीने के लिए, तो हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। दोस्तों शौचालय की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों रोड के उस पार वहाँ पे इस तरह के शौचालय वहाँ पे लगा रखे हैं, और साफ़ सफाई देखिए हर चीज़ का ध्यान दिया गया है, और तैयारियाँ काफ़ी अच्छी की गई हैं। के उस पार देखिए दोस्तों अभी से तैयारियां हो गई हैं, लोग मेले टाइप लगा दिया है हर तरह से पर्व को मनाने के लिए, और देखिए दोस्तों यहां पे जितने भी इस तरह के मंदिर बनाए हैं उनके आगे सब सेल्फी भी ले रहे हैं, सेल्फी पॉइंट भी बनाया जा रहा है, और पुष्प वर्षा की जाएगी हेलीकॉप्टर द्वारा। तो हर तरह से छठ पर्व को और अच्छा बनाने के लिए नगर निगम ने बहुत ही मेहनत की है और साफ सफाई का ध्यान रखा है। दोस्तों अगर आप भी गाजियाबाद में हैं, हिंडन के आसपास रहते हैं, तो यहाँ पे जरूर आइए, छठ का पर्व में सम्मिलित हुई है, काफ़ी हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ लोग आएंगे, काफ़ी बड़ा इंतजाम किया गया है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और कोशिश करूँगा कि मैं कल दोबारा से मॉर्निंग में आऊँ और छठ के पर्व को कवर करूँ। तो जय हिंद दोस्तों।